हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया है, हम तो आप भी बढ़िया ही होने चाहिए। यस, तो आज है तारीख 5/5/2022 और आज के दिन ही कुछ ऐसा हुआ था जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे और अभी भी मैं सोचती भी नहीं हूँ। क्यों चिराग? वो दिन पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो उस दिन मम्मी को अचानक से क्या हो गया कि मतलब समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये कोरोना के चक्कर में हुआ था। हाँ, और बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि आपके मम्मी को क्या हुआ था। तो मम्मी को वैसे कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था ये भी हमें पता नहीं है वैसे तो भी। क्यों चिराग? क्योंकि रिपोर्ट वो टाइम पे रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहा था। गाँव सिटी कहीं पे भी जगह ही नहीं थी ना वैसे तो। हॉस्पिटल फुल हो गए, और रिपोर्ट करवाने के लिए आजू बाजू में लैब नहीं है। आपको रिपोर्ट करवाने के लिए भी वो टाइम पे मतलब बुकिंग करना पड़ता था और वो पता नहीं क्या होता था, कब होता था, कैसे होता था, वो समझ में नहीं आ रहा था। और मम्मी को ज्यादा था भी नहीं, मम्मी से ज्यादा तो पापा को था जो भी क्रिटिकल थोड़ा बहुत था, वो मम्मी से ज्यादा पापा को था। तो भी मम्मी को है ना ज्यादा डर था और कुछ नहीं था। तो और ज्यादा तो वो लग गया था माइंड में क्योंकि हमारी फैमिली में से 5 लोग चले गए, मतलब पापा के 3 भाई और मेरी बड़ी सासू माँ, वो सब कोरोना में चले गए। तो वो सुन के भी मम्मी को थोड़ा डर लग गया था। ऐसा नहीं है कि वो टाइम ही ऐसा था, पिछले 1 साल की एग्जैक्ट बात थी। वो टाइम पता नहीं क्या था, मतलब मोटापा है, बापूजी है, उन सबको ऐसा ही मतलब अचानक से न्यूज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक के बाद एक हमारी फैमिली में तो एक के बाद एक सब, अगर एक का हुआ तो 3 या 4 दिन गए तो दूसरे का हो गया। ऐसा ही लाइन में ही था सब। तो वो डर बैठ गया था वो टाइम पे सबको। और मैं उसमें तो ऐसा हुआ था कि मैं जस्ट ऑफिस में था, पता चला कि मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तब मेरा वीडियो कॉल, वैसे तो वीडियो कॉल सुबह से ही चालू था, वहाँ पे भाई फोन रख देता था और बस पूरा दिन हम देखते रहते थे कि मम्मी क्या कर रही है। कुछ नहीं था वैसे तो, और सारिका उस दिन निकल भी रही थी, बस में थी है ना चिराग। और वो आधे से उनको वापस बुलाना पड़ा, वो पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अचानक से फोन आया कि ऐसा हुआ है, अब रिंकल को मत बताना। रिंकल तब मुझे तो मुझे तो ऐसा पता नहीं मगज में हुआ ही था कि ऐसा ही कुछ न्यूज है, पर मैं रेडी नहीं थी। और अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कोई बुरा सपना है। मैं सोचती हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों सोचती हूँ इसके बारे में, ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है और होगा भी नहीं। और अभी तक मुझे यकीन हो ही नहीं रहा है और पहले हुआ भी नहीं था, और पता नहीं अब कब तक मेरे साथ ऐसा रहेगा। मैं कल ही चिराग को बात कर रही थी है ना चिराग कि हाँ, मुझे यकीन हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये सब सुना है। अगर देखा होता तो भी थोड़ा कुछ हमें ऐसा लगता, क्योंकि ये सब सुन के कैसे हम बिलीव करें कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। पर हकीकत को कोई टाल नहीं सकता है। हाँ वो तो है, पर नहीं ये मानने में ही नहीं आता है तो फिर क्या करें। ये हमारे घर में सबको हुआ है ऐसा, पर हमें ऐसा लगता है कि मम्मी हर वक्त हमारे साथ ही है। घर जाते हैं तो ऐसा होता है, बस वही लगना चाहिए वो हमेशा साथ रहे। हाँ नहीं वैसे हाँ, क्या हुआ था है या ना है, मम्मी को हॉस्पिटल बाहर लेके गए और रास्ते में ही ये सब हो गया था। तो हमें ऐसा लगता है घर भी जाते हैं ना तो कि मम्मी मामा के घर गए हैं तो आएंगे आएंगे आएंगे, बस ऐसा ही लगता है। और बस अभी भी वेट ही करते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे, बस विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया है। तो ऐसा कुछ है, बस यही थी स्टोरी। ये स्टोरी ही बोलते है इसे, तो हम स्टोरी ही बोल सकते हो क्योंकि हकीकत तो यही थी, हकीकत भी यही थी, स्टोरी भी यही है। पर जो पता है वो यही है जो आप बहुत टाइम से पूछ रहे हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये एक्चुअल में हुआ था, तो ये चीज ना जो आप जो एक्चुअल में यही बात थी जो ये आपने अभी सुना, मतलब अब विश्वास हो या ना हो पर ये हकीकत है, मानना तो पड़ेगा। ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाले का आदेश है, ये तो सबको सुनना है, एक दिन एक तो सबका आना ही आना है। पर ऐसे आए वो अच्छा नहीं लगता। हाँ टाइम हो, सब पता हो, सब कुछ हो तो ठीक है, पर अचानक से जो आता है ना वो लगता है दिल में। और वो सदमे में से निकलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, जो निकल चुके हैं सदमे में से बाहर। हाँ बेटा वो बाहर इसीलिए निकले क्योंकि मेरे पास थे चिराग, सारिका के पास जीजू है,
तो ये ही है जो हमें संभाल लिया है, पापा को, भैया को, सबको। मतलब हमें ऐसे वैसे कुछ पता ही नहीं चला है कि ये सब कैसे हो गया और हम बाहर आ गए। बस अभी तो ऐसा कुछ है। आप सबका सपोर्ट बहुत है इसमें। हाँ, वो भी हमने कभी YouTube चैनल चालू करी और कभी हमने वहाँ से बड़ा है, पूरा अपना माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और कुछ मैं अभी कर लेंगे। हाँ, मतलब मैं और भैया और सारिका भी यूट्यूब के साथ जैसे ही जुड़ गए ना, तो मतलब ऐसे ही सोचो कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, ऐसा हमें हुआ। तो बस धीरे धीरे ये सब एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, ये सब हुआ था, यही था बस, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज का दिन थोड़ा ऐसा हुआ कि आज मम्मी के मतलब एक साल हो गया कि आज के दिन शाम को ये सब हुआ था। तो बस और तो कुछ है नहीं। बोलो चिराग। बस देखो, अभी आपने सुना वही है, और अभी हम कियान के साथ खेलेंगे। क्यों बेटा? और खाना रेडी हो गया है। वो घरेली खिचड़ी है। अभी मैंने वीडियो भेजा था ना रिंकल यूएस से, वो एक वीडियो सब अपने व्यूअर्स को दिखा दो और वहाँ पे एंजॉय करो, क्योंकि आज हमने कुछ ज्यादा बनाया नहीं है वीडियोस में भी। और बस वही आज का मतलब आज का दिन थोड़ा ऐसा था ना, तो हम वही सोच सोच के टाइम निकल गया है, तो मूड सही में नहीं था आज बनाने का, पर सोचा थोड़ा आपसे शेयर कर देते हैं बात। तो अभी हमने वही तो मम्मी ने है ना अमेरिका में ममरा का चिवड़ा बनाया, वो देखो आप, बहुत ही मस्त चटाकेदार बनाया है ना चिवड़ा। ओके चलो, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहो। सबसे पहले हमने हरी मिर्च ले ली है, हमने फ्राई करने के लिए रख दी है। और ये अब हो गई है, तो अब हम निकाल कर ये बड़े वाले पतीले में डालेंगे। ये जाएगा हमारा कड़ी पत्ता, वो भी हम डालेंगे इस पतीले। अब हमारा जाएगा ये मूंगफली के दाने, वो भी जाएगा इस तपेले में। अब हमारा चिवड़ा रेडी हो गया है, ममरा भी मिक्स कर दिया है इसमें। अब इसमें थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे।
डाल के हम सब मिक्स कर देंगे। और देखो ये हमारा चिवड़ा तैयार हो गया है। खाओ और एंजॉय करो। यहाँ लाल मिर्च भी अपने इंडिया जैसी मिलती है और हरी मिर्च भी मिलती है, और हरा धनिया तो बहुत अच्छा मिलता है। इसको काट कर स्टोर कर देंगे, इसे पेपर लगा कर काट के डब्बे में बंद करके फ्रिज में। और ये कड़ी पत्ते भी मिलते हैं इधर, लेकिन महंगे आते हैं, $2 के एक पाउच में वो आते हैं, $1.5 का। और ये लाल मिर्च आती है, उसके भरवा मिर्च भी बनाएंगे मसाले वाली, और आज हम उसकी चटनी भी बनाएंगे। और इस चटनी में हमने डाला है डंडी वाला ये धनिया, डंडी भी डाली है उसकी, और लाल मिर्च 3 काटे है, और 5 कली लहसुन लिया है, और सिर्फ नमक डाला है। और ये सिंपल वाली चटनी रोटी के साथ खाने के लिए आज हम बनाने वाले हैं, और बनने के बाद हम दिखाएंगे कि वो कैसी बनती है।